प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए रोड शो करते हुए भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। ये तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से आप देखें कैसा माहौल है यहाँ पर। इस माहौल से समझ आता है कि अपने सांसद को कितना चाहती है वहाँ की जनता। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं, भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और साथ ही आपको इस वक्त जो दक्षिण से प्रत्याशी हैं वाराणसी से वो भी दिखा रहे हैं, चूंकि अभी अगले चरणों में जो मतदान होना है उनमें वाराणसी भी एक जिला है जहां पर मतदान होगा। और इसी को देखते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी रोड शो ये इस वक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने वाराणसी से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक तरफ जहां पांचवें चरण को लेकर मतदान हो रहा है तो दूसरी तरफ छठवें चरण को लेकर प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से हो रहा है। और बीजेपी अपने मास्टर कार्ड को यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को जमकर भुना रही है। और वाराणसी की गलियों में एक तरफ जहां हर हर महादेव हर हर शिव के नारे गूंजते हैं, जयकारे गूंजते हैं, तो वहां हर हर मोदी के जयकारे भी गूंजते हैं, हर हर मोदी के नारे भी गूंजते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बनाया गया है, पहले इस पर काम चल रहा था, फिर इसको भव्य दिव्य तरीके से बनाया गया, उसके बाद जनता बेहद प्रसन्न है और जनता पसंद कर रही है पीएम मोदी को और भी ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संकल्प दुबे वाराणसी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही हैं, कैसा नजारा है, लोगों में कितना उत्साह है पीएम को अपने बीच देखकर? देखिए, साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से स्टेडियम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और आगामी चुनाव के मद्देनजर ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री, अगर बात की जाए आगामी पूर्वांचल के चुनाव के मद्देनजर, आज अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे और भारी संख्या में जो बूथ कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री, जानकारी के मुताबिक, सूत्रों से के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे और पूरे रास्ते में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या क्षेत्रीय लोग हों उन्होंने स्वागत की तैयारी कर रखी है। और अभिवादन प्रधानमंत्री लगातार स्वीकार कर रहे हैं। संपूर्णानंद स्टेडियम में आज उत्सव का माहौल लग रहा है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री को संबोधन को सुनने के लिए पहुंचे। और ये माना जा रहा है आगामी चुनाव, चूंकि अब पूर्वांचल का चुनाव है जल्द ही और ऐसे में कम दिन बचे हुए हैं, और ये माना जा रहा है अब से आज से प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बिगुल फूकेंगे पूर्वांचल के चुनाव के लिए। और आगामी दिनों में तमाम बड़े मंत्रियों के दौरे शुरू होने वाले हैं और यह भी माना जा रहा है कि 30 दिवसीय दौरे पे जल्द ही प्रधानमंत्री वापस भी आएंगे। और ऐसे में आज का सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि तमाम पार्टी अपनी सक्रियता दिखा रही, तमाम दावे जरूर कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पे बूथ को जीतने की जो तैयारी की है उसके लिए आज मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को देंगे। और उत्साह साफ देखा जा सकता है, जिस तरीके से कार पे सवार होकर प्रधानमंत्री लोगों के बीच में पहुंचे, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और कहीं ना कहीं बनारस जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, काशी में उत्सव का माहौल रहता है। तो आज सुबह से ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भारी संख्या में पहुंचे हैं और ये माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री जीत का मंत्र जो है बूथ को कैसे, बूथ पे वोटर्स जो है उनको किस तरीके से कहीं ना कहीं जो भारी संख्या में मतदान कराना है और तमाम वो पहलू। और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि यहाँ से प्रधानमंत्री विपक्ष पर भी निशाना साध सकते हैं और काशी मॉडल जो कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में विश्व स्तरीय जो काशी मॉडल को हाईलाइट कर रही है, तो ये माना जा रहा है कि काशी मॉडल को लेकर भी प्रधानमंत्री आज फिलहाल यहाँ पे चर्चा करेंगे और मूल कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री क्या कुछ मूल मंत्र कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देखते हैं ये देखना होगा। और इसके साथ ही संकल्प, इसके आगे का शेड्यूल क्या है, रोड शो के बाद क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री की जरा बताइए। देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है, इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंच सकते हैं और रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के रूट में किसी भी तरह की बाधा ना हो, तमाम अफसर तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, काशीवासी हों, क्योंकि काशी में प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं भारी संख्या में लोग सड़कों पर उनका अभिवादन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में ये जानकारी जरूर सामने आ रही कि यहाँ से प्रधानमंत्री
सीधे विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं, जिसको कि एक अघोषित रोड शो जरूर माना जा रहा है। और भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो सुबह से ही शुरू था, अब सड़कों पे भी ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार भी जब कॉरिडोर के लोकार्पण के समय प्रधानमंत्री पहुंचे थे, उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, मुलाकात की लोगों से, तो ऐसे में अब ये जरूर जानकारी आ रही है कि इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए रवाना होंगे। और अब लेकिन सबसे अहम आज का दौरा इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि बूथ कार्यकर्ताओं को आज विजय मंत्र प्रधानमंत्री देने वाले हैं, और ऐसे में पूर्वांचल को लेकर जो तमाम तैयारियां की गई है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वांचल का जिक्र जिस तरीके से संकल्प आप कर रहे हैं, अगर हम पांचवें चरण की बात करते हैं तो देखिए सेंटर पॉइंट अयोध्या है, ठीक इसी तरीके से अगर छठवें चरण की बात करें तो पूर्वांचल में सेंटर पॉइंट वाराणसी है। तो इस सेंटर पॉइंट को न सिर्फ बीजेपी बुना रही है बल्कि तमाम पार्टियां बुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का रुझान किसकी तरफ ज्यादा? देखिए साफ तौर पे अगर बात की जाए तो इस बार का जो चुनाव है, तमाम मुद्दे हैं बनारस के लोगों के, वो विकास है, और कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां दावा जरूर कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस तरीके से बड़े सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किए गए, काशी को पूर्वांचल का सेंटर बनाया गया, जहां पे अभी पिछले दिनों महापौर का सम्मेलन हुआ और 13 राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, उनको भी काशी मॉडल से रूबरू कराया गया, और ऐसे में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो साफ तौर पर विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जा रही है। लेकिन जो 8 सीटें जो विधानसभा है यहाँ पे 8 की 8, ये दावा जरूर किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन पे विजय प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी, लेकिन विपक्षी दल भी सक्रिय दिख रहे हैं। लेकिन एक ये जरूर कहा जा सकता है, विपक्षी दलों की तरफ से अब तक किसी बड़े नेता का आगमन नहीं हुआ है, हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी एक संयुक्त रैली बनारस में करने वाली है। और इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी और आपको बता दूं कि 3 दिवसीय दौरे पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसका कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है कि कौन कौन से इलाकों में उनकी रोड शो जनसभाएं होनी है, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। और पूर्वांचल के लिए चुनाव बिगुल फूंकने के लिए